प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को जैक बोर्ड क्लास 7 की पुस्तक से ली गई कविता इफ माइस कुड रोर, अंग्रेजी की पुस्तक से ली गई ये कविता, ये पोएम इफ माइस कुड रोर आज पढ़ाऊंगा। इसके पोएट हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 ईस्वी को कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ। वे ब्रिटिश माता पिता के संतान थे। इंडिया में उनका जन्म हुआ। बाय बर्थ वो इंडियन हुए। सन 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और सन 2014 ईस्वी को उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ये कविता इफ माइस कुड रोर, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वी ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट ए परफेक्ट वर्ल्ड, एक परिपूर्ण दुनिया के लिए, एक परिपूर्ण विश्व के लिए हम सबों का अलग अलग ओपिनियन है, हम सबों की अलग अलग राय है। द पोएट सजेस्ट्स दैट द वर्ल्ड कैन बी ए पैराडाइज इफ सर्टेन थिंग्स चेंज। कवि की राय में ये दुनिया एक पैराडाइज या एक स्वर्ग साबित हो सकती है, एक स्वर्ग की तरह बन सकती है अगर कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाए, अगर कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाएं। रीड द पोएम टू फाइंड सम इम्पॉसिबल एक्टिविटीज द पोएट सेज दैट कैन मेक द वर्ल्ड अ पैराडाइज। इस पोएम को आप पढ़िए, हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कुछ इम्पॉसिबल एक्टिविटीज, सर्टेन इम्पॉसिबल थिंग्स दैट कैनॉट हैपन, जो कि हो नहीं सकते हैं, और उनके बारे में कवि सोचता है कि अगर ये हो जाए तो वैसी स्थिति में द वर्ल्ड कैन बी ए पैराडाइज, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए पैराडाइज। हम लोग इस वर्ल्ड को, इस पूरे विश्व को एक पैराडाइज की तरह बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग पोएम इफ माइस कुड रोर। माइस मतलब रैट्स, चूहे। रोर मतलब गरजना। ग्रो अप बढ़ना। सोर, सोर मतलब फ्लाई, टू फ्लाई अप इन द स्काई, आकाश में बहुत दूर दूर तक उड़ना। डाइन, डाइन मतलब ईट, भोजन करना। पेबल्स, पेबल्स मतलब स्टोन, पीसेस ऑफ स्टोन, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। कंकड़, पेबल्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, यानी छोटे छोटे कंकड़। पोस्ट मतलब बॉर्डर, सीमा। बलीज, BULLIES, बलीज, गुंडे या बदमाश। शावर, शावर मीन्स फुहारा, पानी की बूंद, वर्षा की बूंद। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिन्हें मैंने पढ़ दिया और आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो अब हम आगे पोएम को पढ़ते हैं। If mice could roar and elephants soar and trees grow up in the sky, if mice could roar, अगर चूहे गरज रहे होते, and elephants soar, और हाथी, बड़े बड़े हाथी आकाश में दूर दूर तक उड़ते,
एंड ट्रीज ग्रो अप इन द स्काई, और पेड़ जो धरती पर उगा करते हैं आसमान में उगते। इफ टाइगर्स कुड डाइन, टाइगर्स खाते भोजन करते क्या, ऑन बिस्किट्स एंड वाइन। टाइगर्स जो है बाघ, वो बिस्किट खाते शराब पीते। एंड द फैटेस्ट ऑफ मेन कुड फ्लाई, अब मोटा से मोटा आदमी सुमो पहलवान की तरह जो मोटा तंदुरुस्त है वो भी उड़ पाता। इफ पेबल्स कुड सिंग, पेबल्स जैसा कि मैंने बताया स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन कंकड़, तो अगर कंकड़ संगीत की धुन सुनाते गाते। एंड बेल्स नेवर रिंग, और बेल्स यानी घंटियाँ स्कूल की घंटियाँ कभी नहीं बजती। एंड टीचर्स वर लॉस्ट इन द पोस्ट, और शिक्षक स्कूल में नहीं कहाँ होते बॉर्डर पर, बॉर्डर पर टीचर्स होते शिक्षक होते। इफ ए टॉर्टोइस कुड रन, जैसा कि आप जानते हैं कछुआ अपनी धीमी चाल के लिए विख्यात है वो प्रसिद्ध है, तो इफ ए टॉर्टोइस कुड रन, अगर कछुआ दौड़ लगाता। एंड लॉसेस बी वॉन, और हमारे जीवन में जो नुकसान होते हैं जो हानि होती है जो क्षति होती है वो फिर से प्राप्त हो जाती, हम नुकसान की भरपाई पुनः कर पाते। एंड बलीज बी बटर्ड ऑन टोस्ट, और बलीज, बलीज मतलब गुंडे बदमाश शैतान जो दूसरों को तंग करते हैं परेशान करते हैं मारते पीटते हैं कुछ भी हद से गुजर जाते हैं वैसे लोग, दे कुड बी बटर डाउन टोस्ट। बटर मतलब मक्खन होता है, मक्खन लगाना भी होता है, उनको इस तरह से मक्खन लगाया जाए इस तरह से बहलाया जाए फुसलाया जाए कि वो अपनी हरकतें छोड़ दें। इफ ए सॉन्ग ब्राउट अ शावर, एक गाने से अगर बारिश होती वर्षा की फुहारें वर्षा की बूंदें पड़ना शुरू हो जाती गाने से। एंड अ गन ग्रीव अ फ्लावर, और क्या होता बंदूक से गोली नहीं बल्कि फूल निकलते। तो दिस वर्ल्ड विल बी नाइसर देन मोस्ट, तब ये दुनिया सबसे प्यारी होती सबसे अच्छी होती। दैट्स ऑल।